गुड मॉर्निंग गाइस सुबह सुबह मैं पैक कर रही हूँ श्रेष्ठ के लिए टिफिन उसे दो टिफिन देना होता है एक है ब्रेकफास्ट का एंड एक है लंच का जैसे मुझे राइस बहुत ज्यादा पसंद है सेम श्रेष को भी राइस बहुत ही ज्यादा पसंद है तो ब्रेकफास्ट में मैंने इसको दी थी चने एंड आलू वाले पुलाव जो कि बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे थे और बाद में मैंने शे से पूछी ना तो वो बहुत ही टेस्टी बने थे एंड लंच के लिए मैंने पैक की थी छोले भटूरे छोटी छोटी सी पूरियाँ बना ली थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे टिफिन लंच पैक करके देना गणपति पापा के फेवरेट मोदक और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनके लिए भोग में क्या बनाऊं तो मैं ना फटाफट वाले मोदक बना लूँगी आज भगवान जी के लिए हम उनको बिल्कुल भी, भी वेट नहीं करवाएंगे मैंने ले ली थी यहाँ पर एक कटोरी नॉर्मल गेहूँ का आटा आधा कटोरी सूजी और आधा कटोरी बेसन थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने थोड़ा ना सेमी टाइट डो बना लिया कुछ जैसे शेप पसंद हो आप वैसे शेप बना लीजिए मुझे ये वाले शेप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं ऐसे शेप बना रही हूँ अब इसे हम लोग घी में डीप फ्राई कर लेंगे घी में ही फ्राई करना और वैसे भी भगवान जी का भोग का प्रसाद घी में बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है मैंने यहाँ यूज किया बना हुआ देसी गाय का घी और गैस का फ्लेम लो करके इसे डीप फ्राई कर लेना है नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं इसीलिए गैस का फ्लेम आपको लो रखना है और बहुत पेशेंस फुली इसे हम लोग डीप फ्राई कर लेंगे आज पर सेकने के बाद मैंने थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दी और फिर मिक्सी में ग्राइंड कर ली अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी गुड़ इलायची पाउडर और घी ने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड की हूँ वैसे तो आप मोदक बहुत सारी चीजों से बना सकते हो मावे वाला मोदक बना सकते हो एंड महाराष्ट्र में जो बनता है उसे कहते हैं उकड़ी से मोदक जो कि चने की दाल और चावल के आटे से बनता है वो एकदम हंड्रेड परसेंट ऑथेंटिक मोदक होते हैं जो मुझे पता है क्या हमने मोदक बना लिए है गणपति बापा को हम लोग लगा देंगे भोग guys, और आज हम लोग ट्राई कर रहे हैं वेरी हॉट है ये एंड वेज है फ्रेस कलर की बहुत ही जोर से भूख और आज ये हम लोग ट्राई करेंगे कोरियन रेमिन ये जो इसका फ्लेवर है वो वेज है एंड फेरी हॉट है ये पता है इसमें और भी ज्यादा टू एग्स ट्रिपल एग्स हॉट आते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होते हैं पर ये नहीं पता कि ये स्पाइसी है भी कि नहीं इसमें पहले टू कप पानी ऐड करो और इससे बॉईल होने रखो गैस कर लेंगे ऑन जब पानी में बॉईल इसमें बॉइल आएगा तब मैं इसमें ऐड कर दूंगी रेमेन कंट्रोल करती हूँ तब भी मुझसे बहुत बर्तन निकलते हैं ऐसे भी मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है हाँ ओपन तो इट हाँ मुझे यही तो चाहिए था इसमें तो वेजेस है वेजेस वैसे दिये दिये है। हाँ ये जो सीजनिंग है ना ये ही तो है असली फ्लेवर इसका और पता है एंड जो पूरे एकदम कुछ नहीं है इसके अलावा यही रखो अभी जब बॉईल आएगा पानी में तब हम इसमें ऐड करेंगे हम लोग इसमें फ्रेश वेजेस भी ऐड कर सकते हैं मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी लिक्विड में आएगी थोड़ी सी एक ये वाली पैकेट भी है रैमिन की ये उससे भी ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा स्पाइसी है बट इसको मैं बाद में ट्राई करूंगी और ये सारी ग्रॉसरी ऐसे के ऐसे ही रखी है मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला कि इसको मैं रख दूँ बॉक्स में भर दू और यहाँ हमारे रैमिन बनकर तैयार है थोड़ा सा जो मसाला होता है ना मुझे ऐसे ऊपर से डालकर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है दिखने में तो बड़ा ही स्पाइसी एंड टेस्टी लग रहा है शेयर से पूछते हैं कि उसे कैसे लगा है लेट नाइट क्रेविंग क्यों अगर आपको लेट नाइट क्रेविंग हो सो रामेन इज द बेस्ट ऑप्शन गाइस हम्म एक न थोड़ा तीखा लग रहा है स्पाइसी है क्या ज्यादा नहीं तो ज्यादा नहीं है हम्म लेकिन अब लगेगी भी ये लगे यहाँ मैं अब बनाऊँगी तोरी की सब्जी ये थोड़ी सी बड़ी बड़ी आ गई वैसे भी जो वेजिटेबल्स होते हैं ना वो छोटी छोटी सी होती तो बहुत अच्छी लगती है खाने में बट कोई बात नहीं तोरी है बड़ी भी है तो भी ठीक है अगर ज़्यादा छोटी होती ना तो मैं इतना नहीं छीलती बट ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी है इसलिए मुझे इसको ज़्यादा छीलना पड़ा अब इसे मैं कर, वाश कर लूँगी कट कर लूँगी फिर सिंपल सा तड़का लगा कर सिंपल सी मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी जीरा हरी मिर्च और लहसुन का तड़का लगा थोड़ा सा नमक हल्दी पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके दैट सेट मैंने सब्ज़ी बना ली थी तोरी की तो देखते हैं आज लंच में क्या है आज है छोले एंड पराठा तोरी की सब्ज़ी दही तड़का राइस और पापड़ तोरी की सब्ज़ी मैं खाऊंगी पराठा के साथ और पराठे के साथ मुझे दही तड़का भी अच्छा लगता है छोले और राइस खाऊंगी मैं हाँ लास्ट में पता है मैंने इसमें अचार भी ऐड की थी और भगवान जी को जो मैंने भोग लगाई थी मोदक भी थे बट इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाते हैं जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें आप सभी को दिखाई जाए और हाँ इस वाले ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ वीडियो अच्छा लगा तो सब प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नए वीडियो में बाय दोस्तों